हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हमारी लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में कुछ ही हुआ था कि कवे जो होती है वो सीमा से कहती है कि तुम अकेले मत जाओ। एंड इसी बीच एस के जो होती है वो कवे से कहती है कि दी मैं छोड़ाऊँगी। तो सीमा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होती है, इनफैक्ट कवे भी शौक होती है, क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगता कि एस के जाएगी, मतलब उसकी छोटी बहन गुड़िया जाएगी, उसे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता। एंड उससे वो पूछ ही लेती है कि पक्का तुम जाओगी, ड्राइवर भेज सकते हैं, लेकिन एस के मना कर देती है और वो खुद जाती है। लेकिन ये बात सीमा को बड़ी अजीब सी लग रही होती है ना, ये चल रही है, ऐसा तो हो कैसे सकता है, ऐसा हो तो नहीं सकता। और उसके दिमाग में यही बात होती है। तो वो अपने कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, अपने क्वेश्चन का आंसर कर लिए, अपने फ्रेंड काव्या को तो घर छोड़ देती है और खुद किसी बहाने से एस के साथ आ जाती है। और वहाँ पर वो उससे क्वेश्चन करती है कि तुम क्यों आए, लेकिन एस के उसके क्वेश्चन को इग्नोर कर देती है। लेकिन सीमा को इतना सब्र कहाँ होता है, वो उससे क्वेश्चन पर क्वेश्चन किए जा रही होती है। लेकिन जब वो क्वेश्चन कर रही होती है तो वो उससे पुराने क्वेश्चन भी करने लग जाते हैं, जो कि पहले के मीन्स जब एस के ने उससे कहा था कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है ये वो सारी चीज़ें। और एस के सीमा के हर सवाल से बचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बच नहीं पा रही होती, सीमा उसे बार बार फंसा देती। लेकिन फिर फाइनली एस के जो है वो जवाब देती है, हाँ मुझे तुम पसंद नहीं हो। लेकिन सीमा को इसमें भी संतुष्टि नहीं मिलती है, वो उससे कहती है कि नहीं, ये सवाल का जवाब दो है तो मेरी आंखों में आके डाल के दो, तुम मेरी आंखों में आके डाल के बोलो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। तो एस के जो है वो नज़रें चुरा के तो कह देती है कि हाँ तुम मुझे पसंद नहीं हो, लेकिन सीमा को तब भी शांति नहीं मिलती, नहीं मेरी आंखों में आके डाल के बोलो। और ऐसे बोल के वो एस के फेस अपनी तरफ करवाती है। अब इन दोनों की नज़रें जो है वो एक दूसरे की नज़र से मिली होती हैं। तो सीमा उसे कहती है अब बोलो ना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। तो एस के जो है वो कुछ नहीं बोलती और वो बस चुपचाप वहीं पर ना उसे देख रही होती है। और सीमा बार बार उससे सवाल कर रही होती है बोलो, लेकिन एस के कुछ नहीं कह रही होती, जैसे उसका तो बिल्कुल ही ध्यान ना हो किसी भी बात पे कि आसपास का कोई शोर भी है क्या। वो बस सीमा की आंखों में देख रही होती है, लेकिन देखते देखते उसे न जाने क्या हो जाता है और वो सीमा का हाथ पकड़ती है, उसे अपने थोड़ा सा पास करते हुए उसके लिप्स के ऊपर किस करने लग जाती है। और वो किस इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि सीमा को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिल पाता और उसकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं। और ऐसे उसे किस करने के बाद खुद से दूर कर देती है और खुद गाड़ी के बाहर उतर जाती है। लेकिन उसकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और वो तेज़ तेज़ सांसें ले रही होती है। और वहाँ पे सीमा जो होती है वो अंदर शॉक होती है, उसकी तो आंखें खुली ही रह जाती हैं और वो ये समझ नहीं पा रही होती कि अभी क्या हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वो खुद को संभालती है और बाहर एस के जो है उसकी भी सांसें अब नॉर्मल होने लग जाती हैं और वो दोबारा गाड़ी में बैठते कहती है तुम्हें मैं घर छोड़ाती हूँ। और उसके बाद वो सीमा के घर के बाहर आ जाती है और सीमा अभी तक एकदम शॉक होती है, ना कुछ हंसी, ना गुस्सा, ना मुस्कुराहट, सिर्फ शौक कि क्या हुआ। तो एस के जो है वो उसको हाथ लगाते कहती है तुम ठीक हो? तो सीमा जो है वो उसकी तरफ देखती है, ठीक हूँ मैं, अरे मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ यार, पागल इंसान हो क्या? मैंने सवाल किया था जवाब देते, ये क्या किया है मेरे साथ? तुम्हें पता भी है मेरी हार्ट बीट देखो। और वो एस के का हाथ जो है वो अपने हार्ट पे रखवाती है, ये देखो कितनी तेज़ हो रही है, मतलब करने से पहले, सोचने से पहले, समझने कुछ 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 सोचा है कि तुमने? बोलती क्या हो, करती क्या हो, समझती क्या हो? सवाल का जवाब मांगा था, सवाल के बदले ऐसा सवाल का जवाब दिया कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या कहूँ। यार ये कौन करता है इतना सारा कन्फ्यूज़न? मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया था ना कि मैं पसंद हूँ, ये कैसा, ये क्या किया तुमने मेरे साथ? तो फिर ऐसे ही होती है, वो अपना फेस इधर की तरफ करती है और फिर सीमा की तरफ करती है, तुम घर जाओ, तुम एक काम करो तुम घर चली जाओ, तुम मेरी आंखों के सामने से ना चली जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। नहीं मुझे कहीं पे भी नहीं जाना और मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए, आज मुझे मेरे हर सवाल का जवाब चाहिए, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो एस के जो है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, तुम अपने आप को समझती क्या, मैंने बोल दिया ना यहाँ से चली जाओ, तो इसका मतलब है तुम यहाँ से चली जाओ, आई बात तुम्हारी समझ में? तो सीमा को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्यों समझ में, और मैं क्यों जाऊँगी यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाने वाली, आज मुझे मेरे हर सवाल का जवाब चाहिए। और एक सेकंड, गुस्सा करने का सिर्फ आपको है क्या? मुझे भी हक है, जो आप कर सकते हो वो मैं कर सकती हूँ, ठीक है, आई बात समझ में? तो इसके थोड़ा समझ लोग उसकी तरह देखती है, अच्छा तो जो मैं कर सकती हूँ वो तुम कर सकती हो? तो सीमा कहती है हाँ, जैसे आप गुस्सा करते हो ना मुझे भी गुस्सा करना आता है और आज मैं अपने हर सवाल का जवाब लेके ही जाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर एस के जो है वो उसकी तरह देखती है, ठीक है जो मैंने अभी भी करा तुम अगर वो करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, आई बात तुम्हारी समझ में? तो सीमा को समझ में आता क्या मतलब, तो उसे कहती है कि जो मैंने अभी भी करा तुम वो वापस कर लो ना, अगर तुम कर पाई तो मैं तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। तो सीमा जो है वो एक मिनट के लिए तो सोचती है, लेकिन फिर इतने में एस के उससे कह देती है बस हो गया, मेरी बराबरी करने पे आई हो, जितना तुम मेरी तरफ गुस्सा करके दिखा रहे हो ना उतना मेरी तरफ बन के भी दिखाओ।
तो मैं मानूँ। तो सीमा जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव मानूँ, अच्छा तो वो फिर एस्क्यू करती है, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। और वो उसे अपने क्लोज करते हुए उसके लिप्स पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली किस कर देती है, जिसके बाद एसके का चेहरा जो है वो बिल्कुल लाल हो जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि सीमा ऐसा कुछ कर देगी। और वो बहुत ज़्यादा शौक होती है। तो सीमा कहती है कि अब मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, बताओ मैंने तुम्हारी बात मान ली है, अब मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। तो एसके जो होती है वो कुछ देर तक तो चुप होती है, लेकिन फिर वो सीमा से कहती है कि अभी तुम कर जाओ। तो सीमा उससे दोबारा क्वेश्चन करती है कि मुझे सवाल का जवाब, लेकिन एसके उसकी तरफ एक बार दिखती है और उसकी आंखों में कुछ अलग ही होता है, ना गुस्सा होता है ना वो प्यार होता है, बस वो सीमा से इतना ही कहती है मेरी बात मानो तुम कर जाओ। तो सीमा जो है फिर उसकी बात मान जाती है, क्योंकि एसके की आवाज़ में थोड़ा सा अलग सी फीलिंग होती है। तो सीमा उससे दोबारा क्रॉस क्वेश्चन नहीं करती और कहती ठीक है मैं घर जा रही हूँ, गुड नाइट, एंड उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और एसके जो होती है वो बस बाहर अपनी गाड़ी में बैठी होती है और बस अपनी आंखें बंद कर रखी होती है उसने, नहीं उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है ना वो कुछ सोच रही होती, बस वो आंखें बंद करे हुए वहीं पे बैठी होती है। पर कुछ देर के बाद उसे ध्यान आता है कि अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और उसे घर जाना चाहिए, एंड इसके बाद वो अपने घर चली जाती है जहाँ पर काव्या उसका काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रही होती है। तो वो जब अपनी बहन को देखती है, उसकी छोटी गुड़िया को देखती है, तो तुरंत उसके पास जाती है, कहाँ रह गई थी तुम और इतनी देर, तुम्हें सोचना चाहिए। तो एसके जो है वो काव्या से कहती है दी मैं थोड़ा थक गई हूँ ना, मुझे रेस्ट करना है। तो काव्या जो है वो उसके सर पे हाथ रखती है, तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तो एसके कहती है हाँ दी मैं एकदम ठीक हूँ, बस मुझे कुछ देर आराम करना है, मैं सोने जाऊँ? तो काव्या कहती है हाँ बिल्कुल जाओ ना तुम, लेकिन पहले मुझे ये बता के जाओ कि तुम क्या सोच रही हो। तो एसके जो है वो अपनी दी की तरफ देखती है, क्या मैं कुछ सोच रही हूँ? मैं तो कुछ नहीं सोच रही हूँ। तो काव्या कहती नहीं मैं मेरी छोटी सी गुड़िया को जानती हूँ ना, आखिर मैंने इस गुड़िया के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड किया, तो मुझे तो बहुत अच्छे से पता होगा कि तुम कुछ सोच रही हो, चलो मुझे जल्दी बताओ क्या सोच रही हो। तो ऐसे कहती है दी मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, ना ही मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। तो काव्या उससे जिद करके पूछ रही होती है, लेकिन इतने में उसका फ़ोन जो है वो रिंग करने लग जाता है और उसके फियांसे का कॉल होता है। तो ऐसे जो है वो तुरंत ही कहती है दी मैं जो सोच रही हूँ ना वो मैं आपको सुबह बताऊँगी, फ़िलहाल आपके लिए फ़ोन उठाना बहुत ज़रूरी है। तो काव्या कहती है नहीं ये इतना ज़रूरी कॉल नहीं है जितना तुमसे बात करना ज़रूरी है। लेकिन एसके जो है वो फ़ोन ले लेती है और फ़ोन रिसीव कर लेती है और काव्या के सीधे कान पे लगा देती है कि बात कर लो। तो अब मजबूरी में काव्या को बात तो करनी पड़ जाती है, पर उसके दिमाग में यही चल रहा था और वो एसके का हाथ नहीं छोड़ रही होती। तो एसके जो है अपनी दी से कहती है दी मुझे जाने दो, प्लीज़ जाने दो, मुझे सच में बहुत नींद आ रही है। तो काव्या उससे कहती है पहले मुझे जवाब चाहिए है ना, मैं ये फ़ोन रख रही हूँ। तो एसके कहती दी सुबह दे दूँगी, अभी मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे प्लीज़ सोना है। तो काव्या जो है वो थोड़ी देर के लिए फ़ोन को होल्ड पे रखती है, कहती है नहीं पहले मुझे बताओ। तो ऐसे कहती है दी ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ये सोच रही थी कि मैं इतने दिन से ऑफिस नहीं गई हूँ तो इतना सारा काम पेंडिंग रखा होगा, तो बस वही सब कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में दी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा, और आज पूरे दिन में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो मुझे आराम करना है, और मैं लेट नाइट बाहर थी और फिर मैं ये भी सोच रही थी कि आपकी इंगेजमेंट हो गई दी, यही सोच रही थी, बस इतना ही सब कुछ है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो काव्या जो है वो कहती है ठीक है पर अगर कुछ और है तो ऐसे कहती है दी इसके अलावा कुछ नहीं है, अभी मैं जाऊँ? तो काव्या कहती है ओके जाओ तुम और ठीक से सोना, ओके गुड नाइट। तो ऐसे जो है वो उसको गुड नाइट करती है। अमिर अपने रूम में एंट्री लेने के बाद ऐसे जो है वो तुरंत ही अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है और बस अपने बेड पर लेट जाती है, लेकिन उसको नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही होती है, उसके दिमाग में वही सब कुछ चल रहा होता है। और इन सब के साथ साथ एक चीज़ और चल रही होती है कि यार उसको जो मैंने चैलेंज दिया था उसने वो एक्सेप्ट भी कर लिया, अब मुझे उसको जवाब देना पड़ेगा, लेकिन मैं उसे जवाब दूँ क्यों और दूँ तो दूँ क्या, मैं तो खुद किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ, मैं उसको बोलूँगी क्या, और वो तो इतनी ज़िद्दी है कि वो मानेगी भी नहीं बिना सवालों के जवाब लिए। आखिर मुझे हो क्या गया है, मैं कर क्या रही हूँ, और एक सेकेंड मैं इतना नर्वस हो क्यों रही हूँ और मैं इतना सोच भी क्यों रही हूँ, मुझे उसको जवाब देना है और मुझे उसको जवाब क्यों देना है, क्यों दूंगा उसको जवाब, वो होती कौन है मुझसे जवाब लेने वाली, और ना ही मुझे इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत है, लेकिन मुझे खुद को तो जवाब देना ही पड़ेगा, आखिर ऐसा क्यों, उसे ना सही पर मुझे खुद को भी जवाब देना है, मैं क्यों उसके पास जाती हूँ, क्यों उसकी तरफ इतनी खिंचती हूँ, क्या हो गया है मुझे, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, कभी नहीं था, किसी के लिए नहीं था, फिर उसके पास जाने से मुझे ऐसा क्यों होता है, पहले तो मुझे रात रात भर ऐसे ख्वाब नहीं आते थे, और अब देखो जब से वो मिली तब से ऐसी कोई रात नहीं है जब उसके बारे में ना सोचे बिना मैं सो गई हूँ, मुझे बार बार उसके ही ख्वाब आते हैं, आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है।
लेकिन इतने में एसके का रूम जो है वो नॉक करता है कोई, तो एसके जो है मतलब थोड़ा सा शौक होती है कि इतनी रात को क्या हुआ, तो अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है, वहाँ उसकी सिस्टर होती है मीन्स की काव्या, तो काव्या को नींद नहीं आ रही होती, तो एसके जो है वो काव्या से क्वेश्चन करती है कि आप दी यहाँ पर क्या हुआ, तो काव्या कहती है कि दरवाजे पर खड़े खड़े सब कुछ बताऊँ, तो एसके कहती नहीं दी प्लीज़ आइए ना। सो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, लेकिन काव्या उससे कहती है कि मुझे नींद आ रही है, तो एसके कहती है दी एक बात बताइए आप अपने रूम में भी तो सो सकती फिर यहाँ पे, तो काव्या कहती है यही देखने के लिए कि तुम सोई हो कि नहीं सोई हो, पर तुम नहीं सोई हो, प्लीज़ बताओ ना बुढ़िया ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम परेशान हो रही हो। तो एसके कहती है दी मैं परेशान नहीं हूँ, बस मुझे एक सवाल बड़ा परेशान कर रहा है। तो काव्या कहती वही वाली बात हुई, सवाल परेशान कर रहा है और तुम परेशान हो रही हो, तो मुझे बताओ ऐसे कौन सा सवाल है जो मेरी छोटी सी गुड़िया को इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि उसकी रात की नींद ख़राब हो चुकी है। तो एसके जब अपनी दी की तरफ देखती है दी ऐसा कुछ नहीं है मैं सो सकती हूँ, तो काव्या कहती रहने दो मुझे बहुत अच्छे से पता है जो सवाल है वो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही रातों को। तो एसके कहती दी ऐसा कुछ नहीं है, तो काव्या कहती अच्छा ऐसा कुछ नहीं है तो तुम सोई क्यों नहीं अभी तक और तुम्हारे रूम की लाइट्स क्यों ऑन थी। तो एसके कहती हाँ तो इसी वजह से आप पहचाने हो कि मैं सोई नहीं हूँ, लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि आप क्यों नहीं सोए अभी तक। तो काव्या थोड़ा सा ब्लश कर रही होती है, तो ऐसे कहती क्या हुआ दी, तो काव्या कहती तुम ना बच्ची हो अभी तुम बड़ी नहीं हुई हो। तो ऐसे कहती दी, तो वो कहती और नहीं तो क्या प्यार के मामले में तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें पता है प्यार में सबसे पहले नींद ही तो उड़ जाती है, अब मेरी तो नींद उड़ ही चुकी है मुझे रातों को नींद आती ही कहाँ है। तो ऐसे के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, वो कहती है अच्छा दी तो आपकी नींद कौन लेके गया है ज़रा मुझे बताइए, मैं उस इंसान से आपकी नींद वापस ले आती हूँ। तो काव्या जो है वो ऐसे के जो बाल को थोड़ा सा झेड़ती है, नहीं तुम नहीं ला सकती हो क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती चलती नहीं है प्यार के अंदर। तो ऐसे कहती है दी यह प्यार मेरे समझ से बिल्कुल बाहर जाता है, खैर छोड़िए अब सो जाते हैं। तो काव्या कहती है नहीं पहले मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा सवाल है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है। तो ऐसे दी ऐसा कुछ नहीं है छोड़ो ना उसको, तो काव्या जो है उसे कहती है अब तुम बताओगे मुझे। तो ऐसे जो है फिर अपनी दी से कहती है कि दी पता है मुझसे किसी ने एक सवाल किया था कि आप, तो काव्या कहती है क्या के और आप कुछ बोलो मुझे। तो ऐसे जो फिर थोड़ी सी गहरी सांस लेते हुए कहती है दी वो क्या है ना कि मतलब है ना, तो काव्या कहती अरे मतलब के आगे भी तो कोई बात होगी ना बोलो तो। तो ऐसे जो वो थोड़ा सा मतलब है ना कुछ ज़्यादा ही मतलब घबरा रही होती है, तो काव्या कहती है क्या हो गया है तुम टेंथ बोर्ड का एग्ज़ाम तो नहीं देने वाली हो कहीं, और ऐसा बोल के वो हंसने लग जाती है। तो ऐसे कहती दी मजाक कर रहे हो आप मेरे साथ, तो काव्या कहती तुम कर रही हो शुरुआत, तो यार तुम इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो इतना तो सिर्फ तुम बोर्ड एग्ज़ाम में ही हुई थी, उसके बाद मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा ना मैं क्या करूँ या कुछ भी, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ क्या हो गया है तुम्हें, ऐसा कौन सा सवाल है जो तुम्हारे दिमाग में ऐसे ठिक 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 कर रहा है कि तुम्हें बोलने तक नहीं दे रहा है बताओ मुझे। तो ऐसे कहती दी रहने दो बताओ बताओ आप कर रहे हो, लेकिन जब मैं बताने जाती हूँ तो हमेशा मुझे टोक देते हो, मैं नहीं बताने वाली हूँ। तो काव्या जो है वो अपनी बहन की तरफ ऐसे देखती है ना मतलब ऐसे की तरफ कि यार तुम कितनी क्यूट वाली बातें कर रही हो, वो तुम बहुत पहले ऐसे क्या करती थी अब मैं नहीं बता रही, आज तुमने बहुत टाइम बाद कहा है तुम्हें क्या हो गया है किसके साथ रहती हो आजकल तुम, मुझे मेरी छोटी वाली गुड़िया ना पुरानी वाली गुड़िया सी लगने लगी अब दी, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे मैं बोलूँगी सिर्फ। तो काव्या कहती हाँ हाँ पता बोलो बोलो, तो ऐसे जो है वो फिर से नहीं बोल पा रही होती, तो काव्या कहती एक काम करो ना बात है कोई चीज़ है कुछ तो समझाओ मुझे। तो ऐसे कहती दी एक सिचुएशन है, तो काव्या कहती है ठीक है भाई अब आप हमें सिचुएशन ही बता दीजिए, बस ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई हादसा हो। तो ऐसे जो अपनी बहन की तरफ क्या क्या बोल रहे हो दी, तो काव्या जो होती है वो वैसे होती है लेकिन फिर कहती है अच्छा ठीक है ठीक बताओ बताओ बताओ। तो ऐसे जो है वो कहती है दी क्या है ना कि ऐसा हुआ कि एक एक लड़की है और फिर है ना, तो काव्या जो है फिर कहती है रहन दो तुमसे नहीं होगा, अरे इतना कब से सोचने लग गई तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा बुखार बुखार तो नहीं है कहीं कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा के तो नहीं आ गया, तुम मेरी बहन हो इतना क्यों सोच रही हो। तो ऐसे जो है थोड़ा गुस्सा में ठीक है दी मैं आपको बताती हूँ, आप ऐसा समझो कि मेरे एक दोस्त हैं, तो है ना मेरे एक दोस्त है और उसकी लाइफ में एक लड़की आती है, वैसे तो वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उन दोनों की शुरुआत में क्या है ना काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और वो उसकी बिल्कुल नहीं मानती है, गुस्सा मतलब ये दोनों एक दूसरे के जब से सामने आते हैं ना तो हमेशा ही मतलब गुस्से में रहते हैं, लेकिन अंदर से दोनों बहुत अच्छे हैं मतलब एक दूसरे के लिए भी बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे को मतलब केयर भी करते हैं समझते भी हैं, लेकिन जैसे सामने आते ना लड़ाई चालू हो जाती है इन दोनों की,
लेकिन फिर है ना, एक बार ऐसा होता है कि गलती से वो दोनों एक दूसरे के थोड़े से क्लोज आ जाते हैं। तो काव्या कहती है कि क्लोज मतलब कैसे क्लोज? तो कहती है दी क्लोज का मतलब ऐसा है कि अब मतलब उन दोनों के बीच में ना एक मूवमेंट आ जाता है। तो काव्या कहती है मूवमेंट का मतलब? तो ऐसे कहती है दी और समझ रहे हो? तो काव्या जो है फिर हंसने लग जाती है, अच्छा अच्छा मैं समझ गई समझ गई, ओके ओके ओके, फिर आगे आगे। तो ऐसे कहती है फिर क्या है ना कि फिर गलती से हो जाता है। तो काव्या कहती है गलती से इतनी बड़ी चीज़? तो ऐसे कहती है दी वो नहीं, सिर्फ एक लिप से लिप तक बस। तो काव्या कहती है ओके। फिर वो दोनों एक दूसरे से मतलब कह देते हैं कि जो भी कुछ है गलती से हुआ। लेकिन फिर वो दोनों क्या ना एक बार अकेले में मिलते हैं, तो वैसे ही नॉर्मल जस्ट बात कर रहे होते हैं। तो बात करते करते भी फिर पता नहीं क्या हो जाता है, और फिर गलती से एक बार हो जाता है। तो काव्या कहती है ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आगे सुनाओ। तो ऐसे कहती है फिर है ना, फिर जो लड़की होती है वो मेरे दोस्त से कहती है कि तो मतलब उससे सवाल कर रहे होते हैं ना कि तुम बार बार सी में ऐसी हरकतें क्यों करनी है तुम्हें, और क्यों? और मेरे दोस्त के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं। अब उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि भैया वो ऐसी हरकतें बार बार क्यों, उसके दिमाग में भी यही सवाल होता है। लेकिन वो लड़की जो होती है उसे तो सवाल का जवाब ही होता है। तो मेरे दोस्त है ना बचने के लिए उससे कहती है कि ठीक है जो मैंने किया है ना तुम मुझे वापस करोगे तब मैं तुम्हें जवाब देना। अब वो लड़की भी उसको वापस वही चीज़ कर देती है। तो कावे कहती है ये वही में है क्या जो मैं समझ रही हूँ, वही है कि कुछ और है? तो इसके जो है मतलब थोड़ा सा फेस सेट करते हैं, वो किस कर देती है। तो कावे कहती है इधर इधर मेरी तरफ़ देख के बोलो, बहुत धीरे बोल रहे हो। तो इसके दी मतलब वो किस कर लेते हैं दूसरे को। तो काव्या को बहुत ज़्यादा हंसी आने लग जाती है, मतलब ये गलती से कर लेते हैं, मतलब ये गलती होती है इतनी बार? तुम्हें मुझे बताया 3-4 बार, ये इससे ज़्यादा बार भी? तो इसके दी मतलब मैं टाइमिंग बता रही हूँ, 1 बार 2 बार फिर 3री बार। लेकिन वो जो 3 थी वो अलग अलग टाइमिंग पे थी ना, तो उस पर जो हुआ वो मुझे कैसे पता होगा यार दी? मुझे जो बताया गया मैं अभी तो वही जानूंगी ना, मैं कौन सा वहाँ थी जो मुझे पता होगा कि एक है कि दो है? मुझे तो 3 सिचुएशंस में बताया उसने कि 3 सिचुएशंस आई थी। तो काव्या कहती ओके ओके ओके, फिर तुम्हारे दोस्त ने जवाब दिया? तो ऐसे कहती नहीं दिया ना, उसने मुझसे ये कहा कि यार मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसे क्यों किया। अब बताओ मैं उसको क्या बताऊँ कि उसने ऐसा क्यों किया? उसके चक्कर में ना उसकी रात की नींद ख़राब हुई पड़ी है, और उसने मेरी भी उड़वा रखी है नींद, मैं क्या करूँ? तो काव्या कहती पहले ये बता ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा इतना खास जो मुझे नहीं पता जिसकी वजह से तुम्हारी रातों की नींद उड़ी पड़ी है, बताना जरा कौन सा ऐसा फ्रेंड है तुम्हारा? तो ऐसे कहती अरे दी मिलवा दूंगी मैं आपको, मिलवा दूंगी, लेकिन पहले मुझे इस सवाल का जवाब दो, जवाब चाहिए मुझे। तो काव्या कहती देखो सीधा सा जवाब है, तुम्हारे दोस्त को वो पसंद है, बस उसे ये बात एक्सेप्ट नहीं करनी है कि वो उसको पसंद है। अगर वो करना चाहे तो उसे मिल जाएगा उसका जवाब। तो ऐसे कहती है अच्छा ऐसा थोड़ी ना है कि वो उसे पसंद है, क्यों पसंद है? उन दोनों के तो इतनी लड़ाइयाँ होती हैं। तो काव्या कहती है अब लड़ाई होती है तो मतलब कहीं ना कहीं कोई बात तो है, अजनबी से तो हम वैसे भी नहीं लड़ते हैं, हम उन्हें इग्नोर करके चले जाते हैं। अब वो लड़ते हैं झगड़ते हैं, और ये देखो एक दूसरे के पास कितना कंफर्ट। तुम एक बात बता, तुम ऐसे थोड़ी ना किसी को जा करके कुछ भी कर लोगे, कुछ तुम्हारे अंदर भी तो होना चाहिए। तो ऐसे कहती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो दी, होना तो चाहिए। तो कह वही तो, अब एक बार बताओ मुझे देख लो, मैं ऐसे थोड़ी ना किसी से पसंद कर लिया, तुम सोचो मेरी पसंद को मैंने पसंद करा फिर तभी तो। तो ऐसे जो अपनी दी इसका मतलब आपने किस किया है? तो काव्या अब उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा होता है, नहीं मैंने कब किया, मैंने ऐसा कब बोला? तो ऐसे जो है फिर अपनी दी की थोड़ा सा ना दी सच बोलो, मुझसे तो कम से कम झूठ मत बोलो, आपने किया ना दी? तो काव्या जो है फिर अपने सर को मतलब पीछे से ऐसे ना अपने सर पे हाथ रखते हुए हाँ वो किया ना। तो ऐस के जो आपने दी आपने मुझे बताया भी नहीं। तो काव्या ये बताने वाली बात नहीं थी, और एक बार किया मैंने तुम्हारे दोस्त की तरह नहीं है 3-3 बार कर दिया, और उसमें भी वो इंसान कन्फ्यूज़ है कि ये क्या है, मैं कम से कम कन्फ्यूज़ तो नहीं हूँ। और तुम्हारे दोस्त को समझाओ वो उसको पसंद करती है और वो लड़की भी उसको पसंद करती है, क्या पागल वाली बातें कर रहे हैं? और एक दूसरे को पप्पियाँ तो कर रहे हो लेकिन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो दोनों के दोनों, वो ना वो कर रही है ना तुम्हारे दोस्त कर रही है, दोनों पागल हो तुम, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, मैं नहीं चाहती कि इनका असर तुम पे पड़े। पहले ही तुम्हें शादी नाम से इतनी प्रॉब्लम है, और पता लगा कहीं कुछ और ही हो जाए, छोड़ो तुम, और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है सो जाओ। तो ऐसे जब अपनी दिक्कत करते दी आप रहने दो, ये बात मत छुड़वाओ, आपने कब किया? तो काव्या कहती अब तुम्हें पता यार कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं, पर्सनल रहने दो।
तो इसके जो थोड़ा सा सैड फेस दी, आपके और मेरे बीच में भी पर्सनल होता है कुछ? मुझे तो लगा था कि आप सब कुछ बताते हो हम दोनों एक दूसरे को, अब इसमें भी पर्सनल है। सही कहते हैं शादी के बाद बदल जाते हैं, तो काफ़ी उसे मना रही थी, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी इन दोनों की कन्वर्सेशन हम बाद में सुनेंगे, तो फ़िलहाल हम चलते हैं। और रही बात वीडियो को क्या कहते हैं उसे लेट आने की, यार सर्दी जाने दो यार, सर्दी में थोड़ा सा आलस आता रहता है ज़्यादा ज़्यादा। चलो तो कोई बात नहीं, हम मिलेंगे अब बाद में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।